हम बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी के वेपन्स इजराइल से खरीदते हैं, चाहे वो सर्विलेंस डिवाइसेस हो, यूएवीज हो। और वो ये है कि इंडिया और इसराइल मिलके पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करना चाहते हैं। अच्छा कल सर, इस डिस्कशन को आखिरी फेज में जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं कि जो इंडो इसराइल फ्रेंडशिप है वो पाकिस्तान भी इसको हिस्टोरिकली जो है वो देखता है। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर डिस्कशन भी करता था पढ़ाते हुए, एक पाकिस्तान के जमात इस्लामी के एक रहे हैं, रुकन में है, अमीर भी रहे हैं, जनाब प्रोफेसर खुर्शीद साहब, वो जी कहा करते थे जी कि पाकिस्तान को अपनी डिफेंस पॉलिसी में इंडिया और इसराइल को रखना चाहिए। चलो इंडिया की तो हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन इसराइल को क्यों रखो भाई, 5,000 किलोमीटर एक दूर मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा इसराइल को एक नेगेटिव फोर्स समझा गया है, नॉट प्राइमरली फॉर पैलेस्टाइन, लेकिन इसलिए कि इसराइल जो है वो इंडिया के बहुत करीब है। तो और हमारे यहाँ पे ये भी पर्सपेक्टिव कल्चर चलता रहा है, और वो ये है कि इंडिया और इसराइल मिलके पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करना चाहते हैं। और ये शुरू में जब इंडिया को पता चला कि हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या न्यूक्लियर वेपन हम बनाने के करीब करीब है, तो ये एक तासुर चलता था कि ये अभी से खत्म कर दी जाए तो शायद अच्छा होगा। तो अक्सर इसमें पाकिस्तान में बहुत लिटरेचर लिखा गया, बहुत पढ़ा गया, लिखा गया, लोगों ने बात की। आप क्या समझते हैं इंडिया का इसराइल के साथ किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, कि कल को कभी आपके ऊपर कुछ जंग होती है तो क्या इसराइल जो है वो आपको सपोर्ट करेगा? देखिए, ये तो चीमा साहब, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोई मुल्क किसी को सपोर्ट नहीं करता है। वो जमाने चले गए, सबको अपनी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसराइल हमको क्यों सपोर्ट करेगा? इसराइल की अपनी जंगें बहुत चल रही हैं, वो अपना जंग देखेगा। लेकिन अब वो ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। अभी जो सिक्योरिटी कंसर्न जो इसराइल को है और इंडिया को भी है, कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ पड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? तो ये एक इशू है जो कि इसराइल और इंडिया को बहुत ट्रबल करता है, बहुत ज्यादा ट्रबल करता है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसकी बहुत तकलीफें देखने को मिली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इसकी इंडिया और इसराइल में होती है। तो कहा जाता है, अब मेरे को तो मालूम नहीं है, ये मैंने भी इंटरनेट पे और इस पे पढ़ा है कि इंडिया और इसराइल इस चीज की भी प्लानिंग रखते हैं कि अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई क्या करी जाएगी। अब आई डोंट नो, मैं तो इसका कोई चश्मदीद नहीं हूं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं। बहरहाल कर्नल साहब, ये तो एक चीज हो गई, तो चलो ये भी हमें पता चल गया कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से सोचते हैं, जो कि जारी बात है हमारी जो खदशात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं कि इंडिया इस तरह सोचता है। आखिरी सवाल कर्नल साहब आपके साथ करना है कि आपका इंडिया का और इसराइल का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो किस लेवल का कोऑपरेशन है, और किस किस्म की इक्विपमेंट आप खरीदते हैं उनसे, और कितने को पैसे दे चुके हैं इसराइल को? देखिए, अभी कहते हैं कि अभी $20 बिलियन का ट्रेड इंडिया और इसराइल के बीच में पहुंच चुका है 2020 के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग फिगर है। हम बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी के वेपन्स इसराइल से खरीदते हैं, चाहे वो सर्विलेंस डिवाइसेस हो, यूएवीज हो, या स्पेशलाइज्ड आपके आर्सेनल हो। हम इस चीज पे फोकस करते हैं जहां तक इसराइल का सवाल है। चले, इट्स गुड जी, हर मुल्क सॉवरन है, उसको हक है कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी खरीदे और करे। बट कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस और एनलाइटनिंग अस ऑन दिस इंडो इसराइल रिलेशन और विजावी ईरान एंड पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को इंडिया और इसराइल की दोस्ती कांटे की तरह चुभ रही है। इनको ये समझ नहीं आता किस तरीके से इसराइल ने इंडिया की ताकत बढ़ा दी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देके, और हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ इतने शानदार हथियार दिए हैं भारत को कि पूरी दुनिया में उसका कोई भी तोड़ नहीं है। ये चीज़ पाकिस्तान को आज से नहीं 20-30 सालों से पच नहीं रही, और अभी वो सोच रहा है कि किसी भी तरीके से इंडिया और इसराइल की दोस्ती तुड़वा दो, क्योंकि इसराइल ही वो देश है जिसने इस्लामिक मुल्क को पाकिस्तान से अलग कर दिया है। सारे इस्लामिक मुल्क आज इसराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं, और पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान ये सोचता था
कि वो सारा इस्लामिक मुल्कों को जोड़ लेगा और उसके बाद मुस्लिम उम्मा बना के पाकिस्तान की बात मानेंगे मुस्लिम उम्मा के लोग। ऐसा तो हुआ नहीं, बल्कि पाकिस्तान को कूड़े की तरह साइड में निकाल के रख दिया सारे देशों ने, और इसराइल वहाँ राजा बन के बैठ गया, और साथ ही साथ भारत की इज्जत और बढ़ी है इस्लामिक मुल्कों में। ये चीज़ पाकिस्तान को पचने रही, इसी का कारण है पाकिस्तान बोल तो सकता है नहीं, बस अंदर अंदर सड़ता चला जा रहा है। धन्यवाद।